उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का बिगुल बज चुका है। प्रत्याशियों ने अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से जनता को मनाने की भी तैयारियां शुरू कर दी और जनता के बीच जाकर डोर टू डोर वोट भी मांग रहे हैं। हमारे साथ हैं बहुजन समाज पार्टी से डॉक्टर राहुल तिवारी, जो कि हरदोई जनपद की सवाईपुर विधानसभा क्षेत्र से अपनी दावेदारी कर रहे हैं। सर, राजनीति में कैसे शुरुआत हुई, कैसे आना हुआ? देखिए, बहन जी का आशीर्वाद हमें 4 साल पहले मिला, तो मैं जिला सचिव के रूप में बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ा था। मानसिकता मेरी लंबे समय से बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ी रही, लेकिन सक्रिय रूप से मैं 2004 साल पहले इसमें आया और जिला सचिव के रूप में मैं पार्टी के साथ जुड़ा, और उसके बाद मैं आज बहन जी का आशीर्वाद मुझे मिला और मैं ये टिकट बहन जी ने मुझे दिया और एक कार्यकर्ता को टिकट दिया गया, बहन जी का आशीर्वाद था और मैं आज क्षेत्र की जनता के बीच में हूँ। फर्रुखाबाद से हरदोई की सक्रिय राजनीति में आने का कारण? देखिए, मैं 15 साल से इस सवाईपुर विधानसभा में ही हूँ और यहाँ पर जनता की सेवा में लगातार लगा हुआ हूँ, शिक्षा के रूप में और चिकित्सा के रूप में। मैंने इस सवाईपुर विधानसभा के क्षेत्र को देखा है और यहाँ की जनता को आत्मीयता मुझे मिली है और मैं इसलिए इनके साथ यहाँ पर जुड़ा रहा हूँ। कटियारी चूँकि 5 नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर चूँकि विकास नहीं हुआ, सबसे पिछड़ा क्षेत्र है जनपद का, क्या बेसिक समस्या है? आपने यहाँ क्या रोड मैप तैयार किया? अगर 22 में चुनाव आप जीतते हैं तो किस तरीके से विकास करेंगे और क्या मूलभूत सुविधाएं यहाँ लोगों को मुहैया कराएंगे? देखिए, आपने ये बात बिल्कुल सही कही है, ये 5 नदियों के साथ का क्षेत्र है और इसमें विकास के रूप में चाहे वो चिकित्सा हो, चाहे वो शिक्षा हो, और साथ साथ जो सड़क है वो भी बड़ी जर्जर स्थिति में है यहाँ पर। तो हमारा मुख्य रूप विकास ही हमारा इस क्षेत्र को जो है एजेंडा है विकास, और इसी के ऊपर हमें जनता का आशीर्वाद मिला हुआ है और हम जनता के बीच में इसी को लेकर हैं। आप ब्राह्मण समाज से आते हैं, सवाईपुर विधानसभा चुनाव ही नहीं, अगर 5 वर्ष पीछे की बात करें तो लगातार यहाँ ब्राह्मणों पर ब्राह्मण उत्पीड़न और अत्याचार की बातें उठती हैं, उसको लेकर आपके क्या क्या संघर्ष हैं? देखिए, ब्राह्मण उत्पीड़न इस सवाईपुर विधानसभा में होता रहा है लगातार, चाहे पिछली सरकार हो चाहे इसके, और यही मेरा मुख्य रूप से मैं ब्राह्मण समाज को आश्वस्त करता हूं, अगर मैं यहां पर इस 22 का चुनाव जीतता हूं तो ब्राह्मण समाज को उत्पीड़न जो उत्पीड़न हुआ है उसको मैं इस आगे इस चीज़ को आगे नहीं हो पाएगी होगा ये सब। अगर 2022 के चुनाव में जनता ने आपको अवसर दिया तो यहाँ की जो सबसे मूलभूत समस्याएं हैं रोजगार की, सबसे ज़्यादा पलायन अगर हरदोई जनपद में कहीं होता है तो कटियारी क्षेत्र से होता है, इन लोगों को यहाँ रोजगार के क्या क्या अवसर देंगे? देखिए, ये आपकी बात सही है क्योंकि यहाँ पर 5 नदियों से घिरा होने के कारण इस क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है और जो पिछली सरकारें रहीं चाहे वो भाजपा की हो चाहे सपा की हो, उन्होंने भी इस तरह इस सवाई पर विधानसभा को ध्यान नहीं दिया है। तो मेरे मुख्य प्राथमिकता यही होगी, जब सड़क मार्ग यहाँ पर विकसित होंगे या यहाँ पर जब सब होगा तो रोजगार भी हम लोग उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे और ये हमारी प्राथमिकताओं में से एक है। ये इस समय किसानों की एक बहुत बड़ी समस्या है आवारा गोवंश, उनको लेके क्या तैयारी है, किस तरीके से किसानों को राहत देने का काम करेंगे? देखिए, जो गोवंश की समस्या है वो पूरी विधानसभा में है और यहाँ की इस समस्या का निजात का यही तरीका है कि जो गौशालाओं का निर्माण किया गया उनमें जो अनियमितताएँ हुई हैं उन अनियमितताओं को आगे चल कर जो हम लोग रोकेंगे और जो उन्होंने अनियमितताएँ की हैं उनको कठोर दंड दिया जाएगा। कितने हजार वोटों से जीत का दावा है सवाईपुर विधानसभा से? देखिए, हम लोग जो अभी हमारी सोच है वो हम लोग लगभग 1.25 लाख वोट के ऊपर जा रहे हैं, बाकी भगवान की कृपा है और जनता का आशीर्वाद कितना मिलता है उसको हम लोग देख रहे हैं। सवाईपुर विधानसभा की में जो लड़ाई है आपकी, किसके बीच है, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी या कांग्रेस? देखिए, हम लोग यहाँ पर जो लड़ाई है समाजवादी पार्टी के साथ में है और मुझे भरोसा है कि जनता का आशीर्वाद के साथ हम लोग बहुत लंबे मार्जिन से इस सीट को निकाल रहे हैं। ब्राह्मण समाज का आशीर्वाद हमारे साथ है और उसके साथ सर्व समाज हमारे साथ जुड़ा हुआ है, वो पूरी तरीके से लगा हुआ है क्योंकि वो जानता है कि जो सर्व समाज की राजनीति है वही विकसित विकास के रूप में देखी जा सकती है। कल भाजपा विधायक ने हरपालपुर के एक कार्यक्रम में एक दावा किया है कि उत्तर प्रदेश की विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा बजट लाने वाले आपके विधायक सवाईपुर हैं। देखिए, कुछ योजनाएँ बहुत लंबे समय से यहाँ पर पेंडिंग थी, उन योजनाओं को जरूर किया गया है तो वो क्षेत्र के विकास के लिए, तो हमारा भी यही है जहाँ पे विकास के रूप में देखा जाएगा तो मैं सबके साथ खड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो यहाँ पर जो विकास के रूप में जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया, चाहे सड़कें हों, चाहे यहाँ पर रोजगार हो, चाहे चिकित्सा हो, शिक्षा हो। आप देखिए, यहाँ की जो सवाईपुर की जो CSC है वहाँ पर 140 मीटर सड़क विधायक जी नहीं बना पाए हैं, वो एक लंबे उसकी क्या बात करेंगे, कितने बजट लाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, एक हरपालपुर को नगर पंचायत बनाने का काफ़ी समय से मांग चल रही है, क्योंकि कटियारी की 2 प्रमुख मांगें थी, एक अर्जुनपुर पुल उसका निर्माण की तैयारियां भी हो गई है और बजट भी मिल गया है,
लेकिन जो नगर पंचायत को दर्जा दिलाने की बात चल रही उसको लेके कहाँ पे है? देखिए ये जो हरपालपुर को जो है नगर पंचायत दर्जा दिलाने का जो मामला था, इसको तो अभी तक हो जाना चाहिए था, इतने लंबे समय तक इसका पेंडिंग नहीं रहना चाहिए था। इसके साथ साथ मुझे सवाईतपुर भी दिखाई दे रहा है जिसको मैं नगर पंचायत बनाने के लिए प्रयासरत रहूँगा, और उसको मैं बना जब तक 5 साल बैंकिंग सरकार बनती है तो नगर पंचायत सवाईतपुर भी रहेगी और हरपालपुर भी होगी। हमारे साथ थे डॉक्टर राहुल तिवारी जी, बड़ा बेबाकी से इन्होंने अपनी बात रखी है, और बहुजन समाज पार्टी के कद्दावर नेता होने के नाते इनका कहना है कि दलित समाज भी इनके साथ जा रहा है और पूरी तरह आश्वस्त है चुनाव जीतने को लेकर। मैं भारत से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा अरविंद तिवारी।